सर्वपल्ली राधा कृष्ण के जन्म दिवस के ग्रंथ में शिक्षण दिवस मना रहे हैं। आखिर उन्होंने क्या कर्तव्य दिया था कि इन्हीं के जन्म दिवस पे हम शिक्षण दिवस मनाते हैं। बड़े बड़े आईसीएम, बड़े बड़े डॉक्टर इस दुनिया में इनसे बहुत बड़े बड़े लोग हुए, लेकिन इनके शिक्षक दिवस रूपये मनाने का एक सौभाग्य दिया इन्होंने। राष्ट्रपति को होने के साथ साथ इन्होंने बच्चों को ऐसा ज्ञान दिया है जो कि ज्ञान ही व्यक्ति को बहुत दूर तक पहुंचा सकता है। एक आंख रहते हुए भी जब हमें प्रकाश आई मिलता है तो अंधा हो जाते हैं, लेकिन जब आंख रहते हुए जब ज्ञान नहीं है तो उसे भी हम अंधा है, क्योंकि शिक्षा के बिना हम लाइफ है जिंदगी में आगे चल नहीं सकते हैं। ये छात्र जीवन बहुत ही कठिन रहा कहता है और आगे चल के अभी इलेवेंथ ट्वेल्थ मैट्रिक पास करने के बाद जब ग्रेजुएशन जब लीजिएगा और एक अच्छे कामयाबी के लिए मंजिल के तौर पे पहुंचिएगा तब उसमें पता चलेगा कि हमने क्या गलत किया है। बच्चे सबको पढ़ते हैं, सब एग्जाम देते हैं। एग्जाम देने के बाद अगर किसी बच्चा से पूछा जाए कि तुम एग्जाम में पास हो गए नीचे, तो कोई बच्चा ऐसा बोलता है कि हम फेल हो जाएंगे, कोई बच्चा ऐसा नहीं बोलता। लेकिन अगर आपके दिल से अगर पूछा जाए उसे तो जरूर बताएगा कि हमारा रिजल्ट क्या होने वाला है। जो बच्चे पढ़ते हैं एक दिन कामयाबी जरूर जानते हैं। हम आप लोग से एक ही गुजारिश करेंगे कि एक अपने मंजिल की तलाश करें। इस शिक्षा में एक शिक्षक के मिलता तो है, आपको जो भी ज्ञान देते हैं वो एक शिक्षक के रूप में कार्यरत करते हैं। हमें ज्ञान के बिना एक अंधकार होते हैं, शिक्षक वही होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर पहुंचा दे, अपने मंजिल तक बच्चों को पहुंचा दे और रास्ता दिखा दे। बच्चों को इस शिक्षक के साथ रिश्ता बरकरार रखा जाता है। इन्हीं दिवस के रूप में हम शिक्षक दिवस मना रहे हैं। आप लोग से गुजारिश करेंगे कि शिक्षक और छात्र के बीच जो भी तुलना होती है वो तुलना के साथ आप व्यवहारिक जीवन में जाए, क्योंकि छात्र जीवन और शिक्षक 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 होता है, चाहे वो किसी रूप में हो उनका एक वर्ग करना ना भूले। आप लोग ने ऐसा समारोह किया है जो शिक्षक और छात्रों के बीच ये संबंध बताता है कि एक युग रहे और शिक्षक ज्ञानशील बातें रहे। इसी वाणी के साथ